सही बोल रही हूँ मैं? हम जा रहे हैं दोबारा फर्नीचर मार्केट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं दोबारा फर्नीचर मार्केट, बिकॉज लास्ट टाइम मैं यशस्वी के साथ गई थी और मुझे दो तीन चीजें पसंद आई थी, बट इस टाइम मैं जा रही हूँ मम्मा को साथ में लेके, बिकॉज मुझे उनको भी दिखाना है और हमें किचन के लिए भी एक पैंट्री हाँ वो बनवानी है। तो मतलब और भी दो तीन चीजें लेनी है, तो मम्मी की मुझे उसमें सजेशन चाहिए थे, इसलिए हम आज दोबारा जा रहे हैं पंचकुला मार्केट। टेबल ऑलमोस्ट मुझे जो पसंद आई थी, मेरे को लग रहा है वो मम्मी को भी पसंद आ जाएगी और हम वो ले लेंगे। और तो मैं दिखा दूंगी तुम लोगों को इसी व्लॉग में कि मुझे कौन सी टेबल पसंद आई थी, एंड हम उन्हें बोल देंगे और वो दो चार दिन में शायद से डिलीवर कर देंगे और आ जाएंगे हमारे घर पे। बाकी अभी मुझे नहीं पता जो बाकी हमें सामान लेना है, जो रेस्ट ऑफ दी वर्क है, जो फर्नीचर हम सोच रहे हैं लेने का, वो क्या होगा, हमें पसंद आएगा नहीं आएगा, दैट वी हैव टू फिगर इट आउट राइट नाउ। भी दिखा रहा है ऑलमोस्ट हमारे को अभी आधा घंटा और लगेगा पहुंचने में। सो मैंने क्या करा है, मैंने मम्मी को बोला मैं बेर खा रही थी, मम्मा फेंक दो डस्टबिन में। मम्मी ने खिड़की खोली, बाहर फेंक दिया एकदम से। मतलब शरीर भी नहीं है, नो स्वच्छ भारत अभियान। अब वो बेर दोबारा दिखा रही है, मेरे को भी दो। ये मीठे तो है, गांव के, गांव के कौन लाया गांव से? कोई आया था उसने गांव से, हरियाणा के। अच्छा, सभी मीठे हैं यहाँ पे, एकदम येलो येलो गंदे से मिलते हैं ना। अच्छा, ये अच्छे वाले टूटी नहीं रहा मत से, खत्म हो गए। और हम ऑरेंजेस पे आ गए हैं, अब हम ऑरेंज खा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम है, तो हम बहुत रुक रुक के चल रही गाड़ी, अभी थोड़ा क्लियर हुआ है तो हमारी गाड़ी चल रही है, तो हमने सोचा हम ऑरेंज भी खा लेते हैं। सारे फ्रूट्स खाते खाते खत्म हो जाएंगे हमारे जब तक हम पहुंचेंगे वहां पे। मम्मी भी मस्त पीछे बैठ के आराम से पैर फैला के ऑरेंज खा रही है, मस्त। बस मेरे भाई नहीं खा पा रहे कुछ, क्योंकि वो गाड़ी चला रहे बहुत ध्यान दे रहा है, इतना सीरियस बैठा है वो, इतना सीरियस। अभी भी हमारे को और 17 मिनट लगेंगे पहुंचने में, काफी दूर हो गया रास्ता, पर ठीक है, जब तक मैं ऑरेंज खत्म करती हूँ फिर वहां जाके मिलती हूँ। जब तक हम पहुंच रहे हैं मैं एक और बात बता देती हूँ, जो हमारा अभी रिसेंट वाला घर है जो हमने 1.5 साल पहले लिया था, उसमें जितना भी फर्नीचर का काम हो रखा है, जितनी भी चीजें हैं, लाइक मेरी वैनिटी, बेड, दोनों रूम के सोफा और भाई का स्टडी टेबल, सब कुछ हम लोगों ने इसी मार्केट से लिया था। ये ना एक होलसेल मार्केट है यहाँ पे, देखो मेरे पापा ने बताई थी, सो इट्स नियर सीपी एंड करोल बाग, अगर पंचकुला मार्केट बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर तुम लोगों को कुछ होलसेल में चाहिए ना सामान, सारी तरह का, जितनी भी तुम पिंटरेस्ट पे देखते हो या फिर पेपर फ्राई या ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट्स पे तुम देखते हो ना सामान, सारा का सारा यहाँ पे मिल जाता है। इवन दो ये लोग ना ये लोग कस्टमाइज भी करा देते हैं सारा सामान, तो मैंने यही किया था, मैंने सारा ऑनलाइन ढूंढ लिया था पिंटरेस्ट पे और उन सब पे कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे कैसी वाइब चाहिए मेरे घर की, और फिर मैंने सब कुछ सेम कस्टमाइज करा लिया था। लाइक मेरे को सोफा लाउड कलर में नहीं चाहिए था, मुझे बेज एंड बहुत लाइट शेड में चाहिए था, तो जिसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ी थी पहली बात तो, बट मैंने वैसे ही बनवाया था। एंड अगर मैंने वो पेपर फ्राई पे वो सेम डिजाइन देखा था, वो आई थिंक 1 लाख समथिंग का पड़ रहा था सोफा, बट मैंने यहाँ पे वो 30,000 में बनवा लिया था। सो ऐसे तुम लोग कोई भी चीज ढूंढ के अच्छी सी बनवानी हो, वो तुम कस्टमाइज करा सकते हो इधर आके, बहुत अच्छे रेट पे तुम लोगों को मिल जाएगी। मैं ट्राई करूंगी कि जहां जहां जिस शॉप से मैंने सामान लिया था पहले भी और अभी भी मैं ले रही हूँ, वो मैं मेंशन कर दूं। हालांकि वहां पे ना अलाउड नहीं होता है शूट करना, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट छुप छुप के थोड़ा थोड़ा शूट करने का एंड शॉप नंबर मेंशन करने का। मार्केट का नाम है पंचकुला मार्केट, इट्स नियर सीपी एंड करोल बाग, तुम गूगल पे डालोगे आराम से आ जाएगी पंचकुला फर्नीचर मार्केट, और यहाँ आके तुम ले सकते हो। मंडे को मत जाना, मंडे को ये मार्केट क्लोज होती है, उसके अलावा तुम कभी भी जाते हो जा सकते हो, 8 बजे तक खुली रहती है मार्केट। बेस्ट टाइम रहेगा सुबह सुबह जाओ, अभी शायद 11-12 बज रहे हैं, तो मार्केट 11 बजे खुलती है, तो हम 12 बजे ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं वहां पे, ताकि हम दिन में काम खत्म करके वापस जा सके। टाइम लेके चलना, बिकॉज ये लोग सब कस्टमाइज कराते हैं, ऐसा नहीं होता कि तुम हाथों हाथ लेके जा सकते, बहुत कम चीजें हैं जो तुम हाथों हाथ लेके जा सकते हो यहाँ से। सो एक दो वीक लेते हैं ये लोग कस्टमाइज करने के लिए, अगर कोई भी चीज तुम ऑर्डर के लिए दे रहे हो तो उनको। बाकी यार आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं, फिर भी तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन होना तो मुझे बता देना, मैं कुछ स्किप कर रही हूँ। तो हम फाइनली मार्केट पहुंच गए, हमने पार्क कर दी है गाड़ी, हम लोगों को और क्या मिल सकता है, जो मम्मी को किचन के लिए सामान चाहिए और इधर उधर थोड़े बहुत जो साइड टेबल चाहिए वो भी मिल जाए हमें। सो
अंदर जाके मिलते हैं मैं तुम लोगों को। बहुत तेज धूप है भाई, बहुत तेज धूप है आज, गर्मी में मर जाएंगे। अच्छी बात है मैं कुर्ता पहने और मैं कुछ और नहीं पहन के, तो मैं मर जाती सच में। बोल देते हैं अंकल को एक बार चेंज करके दिखा दो हमें। इस शॉप वाले भैया ही नहीं है यहाँ पे, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। तब हम प्राइसिंग नहीं पता कर पा रहे हैं कई चीजों की। Let's see, समझ आता है तो देखते हैं यहाँ पे, नहीं तो कहीं और जाएंगे। हमने दो तीन जगह से कॉस्टिंग पता करी है, 10,000, 12,000, 15,000, जो बिल्कुल वुड का है ना, प्रॉपर सांगवान लकड़ी का, वो हमें पड़ रहा है 15,500 का बड़े साइज में, जो 6 फुट हमें बनवाना है, 6, 6.5 फुट भाई के रिबेड। बाकी हम लोगों ने जो किचन के लिए हमें कबर्ड लेना था वो भी पता करा है, वो हमारा कस्टमाइज करके 10-11 में पड़ेगा। मेरे किचन इंटीरियर के साथ की है वो, तो वो भी इतने की है। शॉप नंबर में मेंशन कर दूंगी, मैंने उनका कार्ड ले लिया है, बाकी दिखा तो नहीं पाऊंगी डिजाइन। टेबल हमारा, हाँ टेबल हमारा फाइनल हो गया, वो मैंने ले लिया है, वो हमें पड़ा है 12,500 का, पत्थर का है और नीचे उसमें गोल्डन की पाइपिंग हुई हुई है। तो मेरा जो बाकी डाइनिंग है और कंसोल टेबल है वो उसके साथ मैच कर जाएगा, इसलिए वो वाला हमने फाइनल करा है। ये रहा मेरा भाई लंबा चौड़ा, जिसके लिए हम बेड ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग भाई के लिए बेड देख रहे हैं, जो हमें छोटे साइज में सिंगल चाहिए, तो ये तो काफी बड़े हैं, बट हम ऐसे को ढूंढ रहे हैं कि छोटा मिल जाए। इनके पास एक बहुत सुंदर सा यहाँ पे काउच भी बना हुआ है। ये रहा मेरा भाई, इतना लंबा है ना, इसकी वजह से हमें बहुत लंबा बेड बनवाना है इसके लिए। तो अभी हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं कॉस्टिंग का। यहाँ पे हमें पड़ेगा, आई थिंक कई लोग 10,000 का बोल रहे हैं, कई 15,000 का बोल रहे हैं, डिपेंड करता है आप कैसा डिजाइन बनवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और हमें कस्टमाइज बनवाना है लंबा थोड़ा, इसलिए हम देख रहे हैं क्या साइज हमें मिल सकता है। ये बैठी है मेरी मम्मा थकी हारी, और फिर हम लोगों को मैट्रेस भी लेना है, उसका भी हम कॉस्टिंग देखेंगे कि कितने का पड़ सकता है। हमें तो थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, थोड़ा सिंपल चाहिए डिजाइन में। वैसे फेक प्लांट्स भी मिल जाएंगे अगर तुम लोग अपने घर में रखने के लिए कुछ देख रहे हो, फ्लावर्स भी मिल जाएंगे, मतलब तुम जब फर्नीचर ले लोगे तो तुम डेकोर के लिए ले सकते हो। गाइस मैंने लिए ये 2 प्लांट्स 550 रुपए के, 275 रुपए का एक पड़ा है, काफी अच्छे क्वालिटी का है और इससे मैंने लिया है। बाकी इनके पास और भी है, तुम लोग देख सकते हो तुम्हारे को कैसा टाइप का चाहिए। लोगों ने फाइनली 2-4 आइटम तो बुक करा दिए और ले भी लिए हैं। हम अब लोग जा रहे हैं सीपी नवेद्यम कुछ साउथ इंडियन खाने, बिकॉज मेरा बहुत मन कर रहा है ऐसे इडली सांबर खाने का। तो अभी हमने खाया था वैसे 2-4 दिन पहले, बट फिर से मेरा मन कर रहा था, हम लोग वहां जा रहे हैं। हाँ सो मेरी वीडियो वहां पे रह गई थी, बिकॉज मेरे को कॉल आ गया था, बट अब हम जा रहे हैं नवेद्यम साउथ इंडियन खाने, और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। टेबल हमारा आज शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगा मैक्स, और जो हमने कबर्ड बोली है वो नेक्स्ट वीक आएगी, बिकॉज हम कस्टमाइज करा रहे हैं उसको साइज के अकॉर्डिंग। अभी तक की यही अपडेट है। बेड के लिए हम अभी भी डाइसी है कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसका कोई स्टेटस नहीं है हमारे पास अभी, बट अभी के लिए यही अपडेट है। हम 4 मिनट दिखा रहे हैं यहाँ से नवेद्यम, मस्त मस्त वहाँ पे खाएंगे और फिर हम घर जाएंगे। सब है इस साइड, बट इस रोड पे बहुत जाम है, तो मे बी आते टाइम हम शायद बंगला साहब चले जाएं, अभी तो नहीं जा सकते, बहुत जाम है, बहुत ज्यादा जाम है। गाइस हम पहुंच गए हैं नवेद्यम, अब हम जाएंगे यहाँ पे खाना खाने मस्त मस्त। सब मम्मी बोल रही है कि अब बेटा 3 ना अलग अलग चीज ऑर्डर करना, एक डोसा कर लो, एक वड़ा कर लो, और एक यहाँ पे फिल्टर कॉफी मिलती है बहुत फेमस है वो यहाँ पे, तो मैं वो भी ट्राई करने वाली हूँ। आई नेवर ट्राइड फिल्टर कॉफी, मतलब पूरी ऑथेंटिक वाली, सो आई एम गोना ट्राई दैट। उसके अलावा मेरे को यार दाल वड़ा खाने का मन कर रहा है, तो आई एम गोना हैव दाल वड़ा। मम्मी आप क्या खाओगे? मसाला डोसा। मम्मी मसाला डोसा खाएगी। आपको कुछ इसे कोल्ड ड्रिंक में पीना है या फिर आपको भी मेरी तरह फिल्टर कॉफी पीनी है? मम्मी को भी फिल्टर कॉफी पीनी है, तो हम लोग अभी फिल्टर कॉफी पियेंगे। अमन भी शायद, मेरे को लग रहा है कि वो रवा खा सकता है, रवा डोसा या फिर मसाला डोसा, स्टिल हैव टू फिगर इट आउट, बट देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं।
यहाँ पे ना यार बिल्कुल ऐसे ऑथेंटिक तरीके से सर्व करते हैं, पूरे केले के पत्ते पे, और बहुत अच्छा खाना एकदम मतलब अगर तुम लोगों को ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड पसंद है ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे इवन म्यूजिक भी वैसा ही है, वाइब पूरी ऐसे बनाई हुई है। मैं तुम्हें अभी कैमरा फ्लिप करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे साउथ इंडियन वो दे रखी है भाई, ये देखो गाइस उन्होंने कुछ ऐसा ऑथेंटिक यहाँ पे ड्रिंक दिया है, काइंड ऑफ लस्सी, हमें तो लस्सी लग रही है बट पता नहीं है। पहले डिसाइड करो क्या खाओगे, मेरा भाई बोल रहा है डिसाइड करो क्या खाओगे, वो बार बार पॉट पूछ रहा है, बट हम ये लोग ये पी के देखते हैं, हम पी के देखो कैसा है, जल्दी बताओ कैसा है। अच्छा है लस्सी है गाइस, ये साउथ इंडियन लस्सी है गाइस, ये मसाला छाछ है लस्सी, इसमें हींग का बहुत पंजिंग टेस्ट है, बट अच्छी है, बहुत अच्छी है, एकदम छोटी सी ग्लासी में दिया इन्होंने। गाइस हमारा खाना आ गया है इतना सारा, और ये मम्मा का रवा डोसा है, रवा मसाला डोसा, और ये हमारी है थाली, यहाँ की स्पेशल जो थाली है इसमें सब कुछ मिक्स करके देते हैं ये लोग, और ये है मलाबार पराठा। गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है, अब हम पी रहे फिल्टर कॉफी, ये लोगों ने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ऐसे ग्लास में दी है, उसके नीचे ये छोटी सी कटोरी टाइप से जिसमें हम इसको डाल के पी सकते हैं, एंड देन एक्स्ट्रा में दिया उन्होंने ये शुगर, सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। चलो मम्मा ट्राई करो, कड़वी है वो फिल्टर कॉफी है इसलिए, कैसी लगी आपको? बढ़िया। अभी तो कड़वी बोल रहे थे। नहीं कड़वी लग रही है, टेस्ट बढ़िया है, टेस्ट बढ़िया है। गाइस मम्मी ने कॉफी गिरा दी, मम्मी से पीती हुई अजीब लग रहा बहुत अच्छी है कॉफी, मतलब बहुत टेस्टी है, बिल्कुल एकदम ना कॉफी भी ऐसा लग रहा है मेरे मुंह में ही रख दिया, क्योंकि इतनी अच्छी है, बहुत टेस्टी है, मतलब हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। तुम लोग अगर सोच रहे हो ना कहीं आने के, तुम्हें ऑथेंटिक कुछ साउथ इंडियन खाना है तो प्लीज ट्राई करना, ये मिस अवॉइड करना, ये हमने फेंक दिया और कॉफी गिर गई थी इसलिए हमने क्लीन करके यहाँ पे रखी है, बट कॉफी भाई लाजवाब है। अमन तू ट्राई करके देख के तो आएगा, ट्राई करके बता अमन। वीडियो में नहीं आता, वीडियो में नहीं लेते मुझे को वीडियो में आना पसंद नहीं है, कट करो टीपी को बताना जल्दी। अब हम जा रहे हैं घर फाइनली, इतना सारा खाना खाने के बाद भाई हमने इतना ऊपर तक भर गए ना हम कि बस नींद आ रही है हमें, सिर्फ नींद आ रही है, मेरी आंखों में नींद भरी हुई है। अभी मैं घर पहुंचूंगी और जाके सो जाऊंगी, अब और कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं, मेरे पास बहुत सारा काम है बट मेरे से हो नहीं पाएगा, मुझे नींद चाहिए। कैसे घर जाके, हाँ घर जाते ही नींद उड़ जाएगी यार, अभी इतनी तेज नींद आ रही है, घर जाते ही उड़ जाएगी, सही बोल रहे हैं लोग। आ गया रात को ही आ गया था, मैंने कुछ कुछ क्लिप्स तो ली थी बट मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि वो लोग सेटअप कर रहे थे, बट मैं अब तुम लोग को दिखा देती हूँ कि टेबल कैसा दिखेगा। अभी मैंने उसके ना बीच में मुझे ट्रे सजानी है या कुछ रखना है, वो मैंने अभी रखा नहीं है, मैं सोच रही हूँ थोड़े टाइम में मतलब मैं ट्रे ले आऊंगी और तब रखूंगी, बट तब तक के लिए मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि वो दिख कैसे रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं दिखाती हूँ बाहर जाके तुम लोगों को कैसा दिख रहा है। है वो जो टेबल जो हमने लिया है, अभी मैंने कुशन्स अरेंज नहीं करे हैं, थोड़ा सा मैसी हो रहा है रूम तो उसको अवॉइड कर लेना, बट ये है हमारा प्यारा सा टेबल, नीचे इसकी गोल्डन लाइन, नीचे यहाँ पे गोल्डन बना हुआ है और इसमें ये मार्बल टॉप है, इस पे से ये बना हुआ है, एंड यार मैंने ना बेज इसलिए लिया बिकॉज ये हमारे बेज सोफा के साथ मैच हो जाएगा, मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं इसके ऊपर शायद ट्रेस जाके कुछ सुंदर सा रखना चाहूँगी। रुको मैं तुम लोगों को कुछ लगा के दिखाती हूँ, मतलब मेरे पुराने वाले जो सेटअप में मैं यूज़ कर रही हूँ ना ये वाला करी ना, मैं इसको रख के दिखाती हूँ, मेरे को लग रहा है ये अच्छा लगेगा। चलो इसको रखते हैं, ये माचिस यहाँ पे कैंडल के लिए रखिए गाइस, क्यूट अच्छा लगेगा, यहाँ पे हम कैंडल भी जला सकते हैं और फिर ये बहुत क्यूट लगने वाला है। और ना यार डबल वाला है, इसमें नीचे एक और टेबल है, वो मैं अकेले निकाल नहीं पाऊंगी तो तुम ऐसे ही देख लो, बट ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तू लेट मी नो ये तुम्हें कैसा लगा, एंड जो हमारा डाइनिंग टेबल और सामने वाला कंसोल टेबल है वो भी हम लोगों ने इसी मार्केट से लिया था, इवन दो ये सोफा भी वहीं पंचकुया मार्केट से लिया है हमने, इसके ऊपर अभी कवर चढ़ाया हुआ है ताकि ये गंदा ना हो जाए बिकॉज ये बहुत लाइट कलर का था, तो तुम वॉश कर सकते हो इस कवर को एंड देन यूज कर सकते हो। गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट टू सी मोर सच कंटेंट जहां पे मैं बस अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ कि मैंने कहाँ से क्या लिया और कैसे क्या करा,
और या प्लीज 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 अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. इट विल मीन अ लॉट टू मी एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.